कारण श्रीमद् भागवत गीता का वर्चुअल आयोजन हुआ, जिससे भक्त घर बैठे ही श्रवण कर भागवत गीता का लाभ प्राप्त कर सके। भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली श्रीधाम वृंदावन में आए दिन धार्मिक अनुष्ठान होते ही रहते हैं। इसी क्रम में वृंदावन में बाल कथा व्यास पंडित आरती किशोरी जी के द्वारा कोरोना काल में श्रीमद् भागवत गीता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका साधु संतों की सेवा के साथ विराम हुआ। कोरोना संक्रमण के चलते कथा का ऑनलाइन प्रसारण किया गया, जिसका भक्तों के द्वारा यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से श्रवण कर लाभ प्राप्त किया। इस मौके पर बाल कथा व्यास पंडित आरती किशोरी जी ने कहा, कोरोना काल में लोग घर पर बैठे बैठे मानसिक बीमारियों के संपर्क में आ रहे हैं। इसी के चलते उनके द्वारा ऑनलाइन श्रीमद् भागवत गीता का आयोजन किया गया, जिससे कि सभी भक्त ऑनलाइन कथा श्रवण कर मानसिक और शारीरिक परेशानियों से निजात पा सकें। जिसमें कि सभी भक्तों के द्वारा ऑनलाइन कथा का श्रवण कर आनंद प्राप्त किया। उन्होंने कहा कि उनका स्वप्न है कि संसार के सभी हिंदू घरों में कम से कम गाय माता का पालन पोषण हो, क्योंकि गौ माता के घर में निवास करने मात्र से ही सुख समृद्धि का आगमन होता है, क्योंकि हिंदू धर्म में गाय को माता का स्थान दिया गया है। ऋतिक अग्रवाल, वृंदावन समाचार 24। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज श्रीधाम वृंदावन में बिहारी जी के श्री चरणों में आप सभी के सम्मुख अपनी जो श्रीमद् भागवत कथा चल रही थी कोरोना महामारी जैसे समय में, तो आप सभी भक्तों ने घर पर बैठे बैठे ही श्रीमद् भागवत कथा का प्रस्थान किया, और आपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से घर पर बैठे बैठे ही इस आपत्कालीन समय में ठाकुर जी का स्मरण किया है, ठाकुर जी को याद किया है, उनकी कथा को श्रवण किया है, अपने जीवन को मंगलमय बनाया है। श्रीधाम वृंदावन की पावन भूमि से यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो कथा आज आप श्रवण कर रहे थे, उसका आज ठाकुर जी की कृपा से समापन दिवस था, और बड़े ही आनंद के साथ में कथा का समापन हुआ है। मेरा आप सभी तक बस इतना ही निवेदन है कि ऐसे समय में जो आपके और हमारे ऊपर अभी संकट का समय चल रहा है, तो आप सभी से हमारा इतना ही निवेदन है कि ऐसे समय में अधिक से अधिक ठाकुर जी का चिंतन करते रहें, गौ सेवा करते रहें, संत सेवा करते रहें, क्योंकि परहित सरिष धर्म नहीं भाई। रामचरितमानस में कहते हैं सबसे बड़ा धर्म है परहित, सबसे बड़ा धर्म लोगों का कल्याण करना, जीवों की सेवा करना। आज के समय में हमारे देश में जो सबसे ज़्यादा दुखी है, जो सबसे ज़्यादा परेशान है, वो अपनी गौ माता है। तो हमारा आपसे इतना निवेदन है कि गौ माता की सेवा करें, घर पर बैठे बैठे तन से मन से और धन से। सेवा तीन प्रकार से की जाती है, एक होती है तन की सेवा, एक होती है मन की सेवा, और एक होती है धन की सेवा। आजकल हम लोग कहीं आ जा नहीं पा रहे हैं, वृंदावन नहीं आ रहे हैं, ठाकुर जी का दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, परंतु मोबाइलों के द्वारा, टीवियों के द्वारा हमको ठाकुर जी का दर्शन भी हो रहा है, वृंदावन धाम का भी दर्शन हो रहा है, और ठाकुर जी की कथाओं को भी सुनने को हमको मिल रहा है मोबाइल के द्वारा, यूट्यूब चैनल के द्वारा, फेसबुक के द्वारा। तो ऐसे ही हम अपना दान भी, अपनी सेवा भी ठाकुर जी तक पहुँचा सकते हैं। अपनी सेवा गौ माता, गौ माता हमारी वो माता है जो हमको अपना दुग्ध देती है। किसी को कोई भी बीमारी हो, गौ मूत्र से वो नष्ट हो जाती है, और आज हमको देखने के लिए मिल रहा है कि वही सबसे ज़्यादा परेशान है, दर दर की ठोकर खा रही है, दर दर भटक रही है, उनको खाने के लिए भोजन नहीं है, पीने के लिए जल भी नहीं है, रहने के लिए एक गौशाला नहीं मिल पा रही है उनको। आज ऐसे वो परेशान हो रही है, क्यों? जिन्होंने ठाकुर जी ने जिनकी सेवा की, अपने श्री बिहारी जी ने उनकी सेवा की, आज वही ऐसे दर दर भटक रही हैं। तो हम अपने जीवन में कैसे सुखी रह सकते हैं, हम अपने जीवन में कैसे आनंदित रह सकते हैं? जब ठाकुर जी हमको प्रसन्न रखेंगे तभी तो हम प्रसन्न रहेंगे, और जब हम ठाकुर जी को प्रसन्न करेंगे तब हमारे जीवन में सुख आएगा। इसीलिए गौ माता की सेवा करेंगे तब ठाकुर जी हमसे प्रसन्न होंगे। देखिए, हम अपनी सेवा में 5 वर्षों से लगे हुए हैं,
और 5 वर्षों में करीबन ठाकुर जी की कृपा से, राधा रानी की कृपा से 50 के लगभग अपनी कथाएं हो चुकी हैं। उन कथाओं के बीच में राम कथा भी है, कृष्ण कथा भी है।